2024 तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। 15 मिनट वाला बोलता है पुलिस हटा दो, और 15 सेकंड में जब उसने बयान दिया तो आप कह रहे भड़का रहे हो, मतलब ये दो मुहा सांप क्यों भैया? अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 15 सेकंड छोड़िए, 15 दिन का समय ले लीजिए मोदी से, कुछ बिगाड़ ले तो हमें बता देना। अरे भैया ओवैसी साहब की हालत खराब है, 40 साल में पहली बार वो इतना बौखलाया हुआ है। माधवी दीदी ने हैदराबाद में झंडा कर रखा है, क्योंकि हैदराबाद में हमारे मुसलमान भाइयों को भी विकास चाहिए और हिंदू भाइयों को भी विकास चाहिए, जो हैदराबाद विकास से अछूता रहा है, अब वो अछूता नहीं रहेगा, 24 में वहाँ कमल खिलने वाला है। अमित राणा कह रही है 15 सेकंड के लिए पुलिस अगर हटा ली ना तो बड़े भाईजान छोटे भाईजान ये पता नहीं चलेगा कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। क्या नवनीत राणा भड़का रही लोगों को? नहीं भड़का नहीं रही, जब 15 मिनट वाला नहीं भड़का सकता तो 15 सेकंड वाला कैसे भड़का पाएगा? 15 मिनट वाला बोलता है पुलिस हटा दो, और 15 सेकंड में जब उसने बयान दिया तो आप कह रहे हो भड़का रहे हो, मतलब ये दो मुहा सांप क्यों भैया? ये दो मुहा तरीके से बातें आप क्यों करते हैं? उसने जो कहा ऑन रिकॉर्ड है, आप उसको सुनिए, उसके बाद उस पर विचार कीजिए। उन्होंने भी तो कहा, आप 15 मिनट की बात करते हो, हम 15 सेकंड की बात करते हो, तो दिक्कत क्या है, हर्ज क्या है? खैर वो सब छोड़ दीजिए, जो लोग इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं उनको परेशानी ये है कि भैया वो लोग चुनाव में हार रहे हैं, 3 चरणों में देख लिया कि अब उनको चरण पकड़ने पड़ेंगे जनता के, जनता उनके लोक लुभावने वो जो वादे हैं ना, जो गारंटियाँ उनकी है उसमें फंसने वाली नहीं है, और फंस भी नहीं रही है, 3 चरणों में ही 200 पार कर गए मोदी जी। देखिए 15 सेकंड छोड़िए, अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 15 सेकंड छोड़िए, 15 दिन का समय ले लीजिए मोदी से, कुछ बिगाड़ लें तो हमें बता देना। अरे भैया ओवैसी साहब की हालत खराब है, माधवी दीदी ने झंडा गाड़ रखा है, माधवी दीदी ने हैदराबाद में झंडा कर रखा है, और इस बार हैदराबाद में भगवा राज होने वाला है, देख रहे हैं भगवा राज हो रहा है। क्या नाम है आपका जी? पहले ही चले गए। हाँ देखिए मैंने बिल्कुल आजकल कह रही ओवैसी को हार का डर सता रहा है, बिल्कुल हार का डर है, 40 साल में पहली बार वो इतना बौखलाया हुआ है, कुछ कह नहीं सकते साहब, पूरी तरह से हैदराबाद भगवामय हो चुका है, क्योंकि हैदराबाद में हमारे मुसलमान भाइयों को भी विकास चाहिए और हिंदू भाइयों को भी विकास चाहिए, जो हैदराबाद विकास से अछूता रहा है, अब वो अछूता नहीं रहेगा, 24 में वहाँ कमल खिलने वाला है। ओवैसी की बात का जवाब, क्योंकि आपको लगता है कि वास्तव में भड़काने वाली बात कही है? देखिए कुछ भड़काने किसने, ओवैसी ने 15 मिनट वाली, देखो वो उसने तो कही थी ना, और उसी को तो कहा कि आप 15 मिनट की बात करते जनाब, 15 सेकंड के लिए आजमा लीजिए, लेकिन मुद्दा आज वो नहीं है, आपको देखना होगा 14 से 14 के बाद, 14 से पहले कितने दंगे होते थे, 14 के बाद दंगों में अगर किसी ने कंट्रोल किया तो मोदी जी ने कंट्रोल किया है, उसके बाद मोदी जी ने कहा विकास के पैमाने पे बात कीजिए, जब मोदी जी एम्स की बात करते हैं तो ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, जब मोदी जी शिक्षा की बात करते हैं तो ये लोग दूसरे समुदाय को आरक्षण देने की बात करते हैं, भाई सब चल क्या रहा है, आप विकास के ऊपर बात करो ना, मोदी ने एम्स बनाया उसका काउंटर करो, मोदी ने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए उसका काउंटर करो, मोदी ने शिक्षा के लिए IIT के संस्थान दिए, IIM के संस्थान दिए, कितने मेडिकल कॉलेज दिए उसके ऊपर बात करो, सड़कों का जाल बिछाया उसके ऊपर बात करो, साहब भारत आज कहाँ है, बढ़ती अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करो, किसी सब्जेक्ट पे के ऊपर ये बात नहीं करेंगे, केवल इनको हिंदू मुस्लिम करना है, मुद्दा ये है, और आज का टाइम हिंदू मुस्लिम वाला नहीं रहा, आज का टाइम विकास का पैमाना हिंदू के पास भी पहुंचा है तो मुसलमानों के पास भी पहुंचा है, विकास के ऊपर मतदान हो रहा है, और तभी ये तिल मिलाए हुए हैं कि मोदी जी की काट ना विकास से हम कर पा रहे हैं ना ही धर्म बात फैला कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। कह रहे हैं ना मोदी जी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अभी तो केवल 3 ही चरण हुए हैं साहब, नफरत की राजनीति की बात कर रहे हैं तो जाकर कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी अभी राधिका खेड़ा से जाके पूछिए, कितनी मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान की बात करनी है तो गौरव वल्लभ से जाकर पूछिए, मोहब्बत की दुकान की बात करनी है तो महाराष्ट्र के गुप्ता जी से पूछिए, मोहब्बत की दुकान की बात करनी है तो आचार्य जी से जाकर पूछिए कि इनके पास से कितनी मोहब्बत की दुकान है, भाई साहब पहले अपना घर संभाले, अपनी दुकान संभाले, उसके बाद आप मोहब्बत बांटने का काम करें, देश की जनता में मोहब्बत बांटा किसी ने तो मोदी ने, देश की जनता तक विकास किसी ने पहुँचाया तो मोदी ने पहुँचाया, लालटेन को हटा के बिजली देने का काम, शौचालय देने का काम, हर एक काम किया है तो किसी ने मोदी जी ने किया। लेकिन डर किस बात का है, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है क्योंकि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो संविधान बदल देगी, ऐसा कांग्रेस कह रही है। एक बात बताइए, संविधान पहली बार कब संविधान दिवस मनाया गया आपको पता है?
बताइए कब मनाया गया, संविधान दिवस कब मनाया गया बताइए ना साहब। मोदी जी के आने के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया, जो हमारा 1914 नवंबर उसको समथिंग बना था। आप जाकर देखिए, संविधान की बात वो करते हैं जिन्होंने पूरे भारत सर देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि ये सब एक ही थाली की चट्टी बट्टे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे BRS हो, चाहे फिर बात करें उसकी कांग्रेस की, क्या लगता है ये सब हैं कैसे ने एक थाली के चट्टे बट्टे हैं क्या नहीं? ये चोर चोर मोसेरे भाई हैं, ये सब बैठे थे जब तो कहीं हो रही है 2000 करोड़ की, कोई हो रही है कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमन गेम घोटाला, और सारे बांटते थे, सारे दिन में घोटाला करते थे, शाम को बांटते थे। तो ये बांटने वाले के या खाने वाले की जो सरकार है उसको देश की जनता को अब मौका मिला है इनको रसातल में देने का, और ये घबराए हुए हैं, खिसियाई हुए चूहे हैं, ये भाग रहे हैं इधर उधर, पर देश की जनता इन्हें भागने नहीं दे रहा। आप देखो कांग्रेस की पूरी में, पूरी के जो कांग्रेस के वो प्रत्याशी थे उन्होंने क्या कहा, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं, और पूरी से संदीप पात्रा निर्विरोध चुन लिया गया, इंदौर से निर्विरोध चुन लिया गया, आप देखिए गुजरात से निर्विरोध चुन लिया गया। जिस सरकार की इतनी ताकत है उसके सामने, प्रत्याशी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो कांग्रेस देश में सत्ता के आने की बात करता है। 230 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जो पार्टी 230 सीट पर चुनाव लड़ रही है वो केंद्र में सरकार बनाने की बात करेगी, और देश की जनता नहीं देख रही है इस बात को। इसलिए जो कंफ्यूजन में 1% है उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपना माइंड सेट कर हटा लो, बदल लो, और मोदी जी के धारा में तुम भी अपना योगदान दे दो। मोदी जी को जो विकास की धारा बढ़ रही है, जो मोदी जी देश, प्रियंका गांधी कह रही है ना कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है भाजपा की। प्रियंका गांधी पहले अपने बताए, जो उनके जो कुत्ते के नाम पर में 200 करोड़ की संपत्ति हरी गुरगामा में है, वो कहाँ से कमाए थे? उनके आदमी पीतल बेचते थे, पीतल बेचते बेचते आज ये 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक कहाँ से बन गए? वो क्या बोलेगी? वो जो अगर देश के हित की बात करती तो कहीं से चुनाव लड़ती, मंत्रिमंडल में शामिल होती, जनता के काम करती। जनता के काम करने की तुम्हारी उन्हें चुनाव में, जब जब चुनाव होता है तब प्रियंका गांधी मेढक की तरह कूद पड़ती है और टट 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 बोल के चली जाती है। देश की जनता इस गांधी परिवार को सोच देख लिया है, देश की जनता ने गांधी परिवार को बड़ी बारीकी से 70 साल झेला है, अब झेलेगा नहीं, अब झेलने वाला नहीं है। अब इनके सारे फाइल खुलेंगे, नेशनल हेराल्ड भी खुलेगा और जेल भी जाएंगे, अब सब कुछ मोदी करके दिखाएगा। अब 2024 तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या नाम है आपका? नेमतुल्ला। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं यहीं चांदनी चौक से ही है। तो अभी 15 मिनट और 15 सेकंड का बयान चल रहा है, ओवैसी साहब को जानते हैं आप? जी जानते हैं। उनके भाई ने आज से लगभग 2013 की बात है जब उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो, पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। लेकिन आज नवनीत राणा जो भाजपा के नेता हैं वो कह रही है 15 मिनट छोड़िए, 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस हटा दी तो ये पता नहीं चलेगा कौन कहां से आया है और कहां गया है। आपको लग रहा है कि भड़काने वाला बयान है? ऐसा बेकार की बात है। हाँ? बेकार की बात है। क्या है ना, 15 सेकंड सही है ना 15 मिनट सही है? सही क्या है? वो गलत, दोनों गलत है। सही आपस में भाईचारा बना रहना है। कैसे बनेगा? नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? नेता करेगा और कौन, जिसको वोट लेना है वो करेगा और कौन करेगा? हाँ। नहीं, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। दोनों को वोट चाहिए ना, दोनों को अपना अपना वोट चाहिए, इसलिए लगा रही है। तो आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? जो जीत जाएगा उसे देखना चाहेंगे। जीतेगा नहीं, जिताएगा कौन? जिताएगी तो जनता ना। जनता जिताएगी, जो सही काम करेगा उसको जिताएगी जनता। सही काम करेगी? मोदी ने सही काम किया 10 साल में? वो तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा भाई कि सही। आपको 10 साल में पता नहीं चला? 10 साल में नहीं पता चला। नहीं पता चला जी। क्या नाम है आपका? भारत आनंद। कहाँ से आना हुआ है? दिल्ली से। दिल्ली से। तो नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस कह रही है कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहा है। कांग्रेस कैसे? कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि जो भी है अब तक मोदी ने ही करा है, सारे कानून वगैरह जो भी है बढ़िया बनाया उसने, 70 उसने हटा दी, 3 तलाक उसने हटा दिए, और क्या चाहिए? बढ़िया, बीजेपी बढ़िया, बीजेपी को ही वोट देना, बीजेपी ही लानी है। अब क्यों लाना चाहते हैं? मतलब अच्छे कानून करें, अच्छा काम करा है सारा उसने, और अभी भी देखना ही चाहते हैं। और बाकी है जो हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने सख्त कानून उठाए हैं, वो बेटर लगे हैं मेरे को, वो बढ़िया है। देखिए कांग्रेस कह रही है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ जाती है तो संविधान बदल देगी। कुछ नहीं बदलेगी वो पप्पू है, वो उसके बस की कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा वो।
मोदी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र भेज देगी महिलाओं के। ये कहने वाली बातें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि बाकी हम तो भैया बीजेपी के साथ है, बीजेपी के वोट। इस साल में क्या काम किया मोदी? बहुत काम करा उसने। आज की हाईवे देख लो, और ये अपना राम मंदिर देख लो, तीन तलाक देख लो, 70 देख लो, 370 बहुत काम करे उसने। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करा उसने, और अब भी यही आएगी। वो विकास हो रहा है? बिल्कुल विकास हो रहा है।